समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि औराई प्रखंड के औराई पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन जिसका माफियाओं के द्वारा जो है तोड़ करके उसके सामान को बेच दिया गया, जमीन को बेच दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के उस कहानी को दोहराने जा रहे हैं। औराई प्रखंड में पंचायत सरकार भवन बेच दिया गया और बेच देने वाले लोग कोई छोटे मोटे लोगों पर आरोप गठित नहीं है, बल्कि प्रखंड मुख्यालय यानी गांव के मुखिया, पंचायत अधिकारी और जिला अधिकारी और भूमि सुधार मंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक 6-7 लोगों पर लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर के न्यायालय में परिवाद दर्ज किया गया है। और परिवाद दर्ज इसलिए किया गया है कि सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं ने बिना डरे बेच दिया और लोगों को कानों कान तक खबर नहीं आई। सारी घटना को हम इनके जुबानों से ही सुनवाएंगे। क्या कहेंगे, कैसे घटना घटी और आपको कैसे भनक लगी? समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि औराई प्रखंड के औराई पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन बनी थी जिसका माफियाओं के द्वारा जो है तोड़ करके उसके सामान को बेच दिया गया, जमीन को बेच दिया गया, सब तहस नहस मचा दिया गया। इस तरह से सरकारी राजस्व का क्षति पहुंचना हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और लोक चेतना दल के जिला महासचिव आनंद कुमार झा के द्वारा 11 मई को न्यायालय में परिवाद दायर किया गया, जिसमें पंचायत सेवक से लेकर के आपको मुखिया, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और आई के जिलाधिकारी और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया। क्या है मुकदमे का, कोई सुनवाई वाई हुआ है कि नहीं, कोई तिथि आया है कि नहीं? 21 मई को इसकी सुनवाई होनी है, पहली सुनवाई जी। अच्छा। इसमें अब न्यायालय के ऊपर है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए किस तरह का निर्णय लेती है। पूरा पर्चा बताइए। संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक चेतना दल। सवाल बनता यह है कि सरकारी संपत्ति को बेधड़क बेचने वाले और सरकार के सिस्टम ही बेच रहा है, उसमें कुछ भूमाफिया के कारण जो है सरकारी संपत्तियां बिक रही है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सवाल तब खड़ा हो जाता है कि जिला अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के संज्ञान में यह मामला अभी तक नहीं आता है, और आता भी है तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्राउंड रिपोर्टिंग, जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।